पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन RSD एकेडमी रामगंगा बिहार में बड़ी धूमधाम के साथ किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री पंचायती राज चौधरी भूपेंद्र सिंह रहे। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि डॉक्टर शैफाली चौहान जिला पंचायत अध्यक्ष मौजूद रही। इस अवसर पर सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया, जिसके बाद सभी उच्च शिक्षा विभाग में तैनात सभी शिक्षकों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर भूपेंद्र चौधरी ने अपने वक्तव्य में कहा कि शिक्षक ही वो रीढ़ है जो बच्चे के भविष्य को सुदृढ़ करती है। हम लोगों ने बहुत बड़ा योगदान दिया, क्योंकि शिक्षा ऐसी अमोल धरोहर है जिसको हम अपनाकर देश का, इस समाज का विकास कर सकते हैं। इसके लिए कोई बहुत निवेश करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, और सामान्यतः जो समाज शिक्षित होकर आगे बढ़ता है वो समाज के विकास की, चाहे राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक जो विषय हो, उनका नेतृत्व करने की क्षमता लोगों में विकसित होती। आप सब लोगों ने निरंतर प्रयास करके देश की भावी पीढ़ी को नेतृत्व करने के लिए तैयार किया। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, और देश के विकास में आप सब लोग अपना सतत निरंतर अपना योगदान देते रहे, ऐसी मेरी अपेक्षा है। पिछले कालखंड में सरकार में 2014 के बाद देश के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक ताने बाने में बहुत परिवर्तन हुआ, और उस परिवर्तन को लेकर हम लोग आगे बढ़े हैं। चाहे देश की सरकार हो, चाहे प्रदेश की सरकार हो, शैक्षिक क्षेत्र में सरकार ने व्यापक कदम उठाए हैं, उसका परिणाम भी आप सब लोगों के सहयोग से कहीं ना कहीं हम लोगों के बीच में है, हम लोगों के। लेकिन जो आप लोग पीढ़ी तैयार कर रहे हैं, आपकी महती जिम्मेवारी है कि देश को सार्थक दिशा में ले जाने वाले, देश को विकास की दृष्टि से नेतृत्व करने वाले वर्ग को हमें तैयार करना, और जिसके कारण हम लोग भारत को एक सशक्त भारत, दुनिया में नेतृत्व करने वाला भारत हम लोग बना सकते हैं। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।